हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स सीरियस क्लासेस। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने टॉपिक के साथ जो कि है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। बच्चों, दिस इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ द बिजनेस स्टडीज क्लास 11। और बच्चों, ये अपना जो लेक्चर है, दिस इज लेक्चर नंबर 5। ऑलरेडी मैं 4 लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। पीछे आज देखो, यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, पहले वहाँ से पीछे के 4 लेक्चर्स देख लेना, फिर इस लेक्चर नंबर 5 को आप लोग क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारा टॉपिक है, सोल प्रोप्राइटरशिप मैंने पढ़ा दिया, जॉइंट एचयूएफ मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, पार्टनरशिप अभी हमारा कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो बच्चों, कितने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप होती है, ध्यान से देखना। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, तो अगर आप पार्टनरशिप का बिजनेस करना चाहते हो तो कैसे कैसे आप लोग क्लासीफाई कर सकते हो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप को। चलो देखो बेटा, देखो इसकी जो क्लासिफिकेशन होती है दो तरीके की होती है। एक तो होती है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के बेसिस के अंदर दो तरीके की पार्टनरशिप बनती है। एक बनती है पार्टनरशिप एट विल, और बच्चों दूसरी बनती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है अपनी खुद की इच्छा से, अपनी खुद की इच्छा से आप लोग इस पार्टनरशिप कंपनी में क्या बने, पार्टनर बने। और जब आपको लगेगा अपनी खुद की इच्छा से आप लोग इस पार्टनरशिप फर्म को क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक है। तो सारा का सारा किस पे डिपेंडेंट होता है, आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है एट विल। विल का मतलब होता है खुद की इच्छा से, ठीक है। एक साइड पे इसको माइक को एडजस्ट कर लूं जरा एक बार, ठीक है। तो विल का मतलब क्या होता है, आप खुद अपनी इच्छा से वॉलंटरली आप इस पार्टनरशिप में आपने बिजनेस स्टार्ट करा है और खुद अपनी इच्छा से इस बिजनेस को छोड़ दोगे। एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, मतलब ये बनती है पर्टिकुलर पर्पस के लिए। मान लो हम 3 पार्टनर्स बने, उन्होंने डिसाइड करा कि सर जैसे ही हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर देंगे, हम अपनी पार्टनरशिप को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो इसको बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप, कि पर्टिकुलर एक पर्पस के लिए हमने एक पार्टनरशिप बनाई है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले पार्टनरशिप एट विल, एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स की इच्छा से पार्टनरशिप बनी है। इट कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द पार्टनर्स वॉन्ट, जब तक पार्टनर्स चाहेंगे इस पार्टनरशिप को आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। एंड इज टर्मिनेटेड व्हेन एनी पार्टनर गिव्स अ नोटिस ऑफ विड्रॉल, इसको कब खत्म कर सकते हो, जब एक पार्टनर ने नोटिस दे दिया बाकी सारे पार्टनर्स को कि हम इसको विड्रॉ कर रहा हूँ, मैं इस पार्टनरशिप डील से क्या कर रहा हूँ, निकल रहा हूँ फ्रॉम पार्टनरशिप टू द फर्म। तो एक पार्टनर है, अगर वो मान लो छोड़ के जाना चाहता है क्योंकि मान लो उसकी उम्र हो गई, या उसने बोला यार अब तो बहुत पैसे कमा लिए, अब तो पैसे लेकर जाऊंगा और सिर्फ क्या करूंगा, पैसों से मजे करूंगा, तो वो अपनी नोटिस दे सकता है कंपनी को कि मैं देखो इस पार्टनरशिप के बिजनेस को छोड़ के जा रहा हूँ, छोड़ के चला जाता है फिर वो अपनी विल पे। विल का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा से, ठीक है, कोई उसको फोर्स नहीं करता। दूसरी एक पार्टनरशिप होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप बनते हैं बच्चों पर्टिकुलर पर्पस के लिए। जैसे ही वो पर्पस पूरा हो जाता है आपकी पार्टनरशिप डीड खत्म हो जाती है। फॉर्म फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो जैसे मान लो मेरे को एक सरकार का प्रोजेक्ट मिला और उस प्रोजेक्ट में क्या करना था, मेरे को 100 किलोमीटर का हाईवे बनाना था। तो बच्चों 100 किलोमीटर की रोड बनाने में मेरे को लगे 2 ईयर्स, कितने ईयर्स लगे, 2 साल। मैं और मेरा एक फ्रेंड था ए और बी, हमने मिलकर पार्टनरशिप का बिजनेस करा। जैसे ही रोड 2 साल के बाद बन के तैयार हो जाएगा, हम लोग अपनी पार्टनरशिप को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो फॉर्म फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से कंस्ट्रक्शन और अ बिल्डिंग और एन एक्टिविटी टू बी कैरिड ऑन फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, तो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए बना है कि 2 साल में जैसे ही हाईवे कंप्लीट हो जाएगा हम लोग क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे अपनी पार्टनरशिप डीड। फिर दूसरी होती है पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी बेसिस के अंदर 2 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप होते हैं। एक होती है आपकी जनरल पार्टनरशिप और एक होती है आपकी लिमिटेड पार्टनरशिप। सर क्या होता है जनरल पार्टनरशिप, क्या होता है लिमिटेड पार्टनरशिप, ध्यान से देखना बच्चों इस वाली वीडियो को, ठीक है। जनरल पार्टनरशिप में क्या लिखा हुआ है देखो, द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड एंड जॉइंट, सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी है, सर सबसे पहले अनलिमिटेड लायबिलिटी है, जो भी लॉस हो जाएगा पार्टनर्स की प्राइवेट एसेट्स को भी सेल करके सारे लॉसेज रिकवर करेंगे। पार्टनर्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, सारे पार्टनर्स का राइट है, वो किस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑफ द फर्म। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शन, आप हो सकता है इस कंपनी को रजिस्टर करवाना रजिस्टर करवाओ, नहीं करवाना मत रजिस्टर करवाओ, आपके खुद का डिसीजन है। एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म इज अफेक्टेड बाय द डेथ, ल्यूनेंसी, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, दिमाग से पागल हो जाता है, मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं, ल्यूनेंसी हो जाती है किसी भी पार्टनर्स की, तो भैया ये पार्टनरशिप को आप क्या कर सकते हो, बंद हो सकती है ये कंपनी। ये होती है जनरल पार्टनरशिप, जहाँ पे लोगों की लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है और प्रॉफिट्स कैसा होता है, जॉइंटली ये लोग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करते हैं, ठीक है। आगे इतनी सी बात समझ में, यस बात करते हैं लिमिटेड।
अब यहाँ पर क्या होगा, देखो अभी ऊपर हमने पढ़ा लाइबिलिटीज कैसी थी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी पार्टनर्स की। अब यहाँ पे लाइबिलिटीज कैसे होगी दोस्तों, अनलिमिटेड। तो लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर, एक पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होनी चाहिए, अनलिमिटेड होनी चाहिए। बाकी सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी हो सकती है, लिमिटेड हो सकती है। मान लो ए बी सी तीन पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे, तो सी की तो हमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो चाहिए चाहिए, और ए और बी की लाइबिलिटी कैसी हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी। एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी के अंदर बहुत सारा लॉस हो गया तो किसी एक पार्टनर को तो पकड़ के उसकी सारी एसेट्स को बेच के हम लॉसेस को पूरा कर सकते हैं। बाकी सारे पार्टनर्स की कैसे हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी। सच अ पार्टनरशिप डी पार्टनरशिप डज नॉट गेट टर्मिनेटेड विद द डेथ, तो अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो पार्टनरशिप बंद नहीं हो सकती। पार्टनर्स डू नॉट एंजॉय द राइट ऑफ मैनेजमेंट, भैया मैनेजमेंट का राइट सिर्फ किसको मिलेगा, जिस पार्टनर के पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। क्योंकि देखो ना, अगर आप लोगों ने कोई गलत डिसीजन ले लिया, आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड थी, तो भैया अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले पार्टनर को तो क्या आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। जिस पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, सिर्फ डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, उसी पार्टनर के पास है, बाकी सारे पार्टनर डिसीजन नहीं ले सकते। रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पार्टनरशिप इज, ऐसी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन आपका क्या होता है, कंपलसरी होता है। तो छोटे से एमसीक्यू के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा ये 3 मार्क्स का आपका, 3 से 4 मार्क्स का ये आपका कॉन्सेप्ट भी आ सकता है। तो बताओ नोट्स कैसे लग रहे हैं, नोट्स को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा बच्चों, वहां से नोट्स को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबसे पहली बात सर, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, सबसे पहली बात सर, इंडिया में सबसे बड़ी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका नाम है अमूल। इंडिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है आपकी अमूल। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए सर। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे कोई ओनर नहीं होता, यहाँ पे कोई ओनर नहीं होता। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बनती है लोगों के एसोसिएशन के साथ, कुछ लोग आपस में मिल गए। ठीक है, कुछ ऐसे फार्मर्स थे जिनके पास अपनी क्या थी, बफेलोस थी, काउस थी, उन लोगों ने मिलके एक एसोसिएशन बनाया। 100 लोगों ने, 100 फार्मर्स ने, 200 फार्मर्स ने मिलके क्या बनाया, एसोसिएशन बनाया। और उन्होंने क्या बोला, हम मिलके क्या करेंगे, अपने काउ से जो भी मिल्क जो बनेगा उसको क्या करेंगे, सेल करवाएंगे। उसकी मदद किसने करी, अमूल कंपनी ने उनकी क्या करी, हेल्प करी स्मॉल फार्मर्स की। तो जितने भी स्मॉल फार्मर्स है जो कि अमूल को मिल्क सप्लाई करते हैं बच्चों, वो कंपनी के होते हैं ओनर। यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर ओनर नहीं होता, जितने भी लोग उस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ओनर। तो इट इज अ वॉलंटरली एसोसिएशन ऑफ पर्सन, भाई आप खुद से आए हो, मैंने आपको फोर्स नहीं करा। हु ज्वाइन टूगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर, सारे के सारे साथ में क्यों आए हैं, मोटिव क्या उनके दिमाग में, कि सर कुछ अच्छा करना है सोसाइटी के लिए, ऑफ द मेंबर्स। अब आप अमूल को देखो ना, कितने कम प्राइजेस के अंदर मिल्क की सप्लाई कर रहे हैं लोगों को। दे आर ड्रिवन बाय द इंटरेस्ट, इनका इंटरेस्ट क्या है, प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। दे आर ड्रिवन बाय द नीड टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मान लो अब एक फार्मर है, उसके साथ लोग बात क्या कर सकते हैं, उसके प्राइजेस को कम कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है उसका प्राइसेस, हो सकता है उसको सप्लायर्स ना मिले दूध बेचने के लिए, उसकी भैंस इतना सारा दूध दे देती है, वो किसको सेल करेगा, है ना, इतना सारा मिल्क। तो वो क्या करता है, मिल्क किसको दे देता है, घर में मिल्क बचा के वो बाकी सारा मिल्क किसको दे देता है, अमूल। और अमूल उसको ऑन द स्पॉट क्या दे देती है, पैसे दे देती है, और अमूल फिर उसको पैकिंग करके ऑल ओवर इंडिया उसकी सेल करता है। दे आर ड्रिवन बाय द नीड टू प्रोटेक्ट देर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उनको अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भैया प्रोटेक्ट करना है, अपने प्रॉफिट्स को बचाना है, इन द फेस ऑफ पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन इन द हैंड्स ऑफ मिडलमैन, बच्चों बीच के जो इंटरमीडियरीज थे, ब्रोकर्स थे, वो इनसे कम प्राइजेस पे दूध लेते थे और मार्केट में जाके महंगे प्राइजेस में सेल करते थे, जो कि ऑब्सेस थे, ये मिडलमैन ऑब्सेस थे विद द डिजायर टू अर्न प्रॉफिट्स। इनको सिर्फ क्या चाहिए था, अपना प्रॉफिट चाहिए था, फार्मर्स की नीड्स के साथ इनका कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, इतनी सी बात मेरी समझ गए। तो बच्चा यहाँ पर फिर क्या है, एक अमूल कंपनी है, उसने क्या बोला फार्मर्स को कि तुम सारे खुद इकट्ठे हो जाओ और अपना जो भी मिल्क का जो प्रोड्यूस है वो मेरे को दो, और मैं जाके क्या करूंगा, उसको पैकिंग करके कस्टमर्स तक सेल करूंगा और तुम्हें अच्छा खासा प्राइस दूंगा। ये काम करा था किसने, अमूल ने काम करा था ये वाला। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। बेटा बहुत सारी तरीके की कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज होती है, अभी इसके फीचर्स भी पढ़ेंगे, मेरिट्स भी पढ़ेंगे, लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे। पहले मैं आपको क्या पढ़ा देता हूँ, इसके टाइप्स। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के कितने टाइप्स है बेटा, पहला टाइप है आपका यहाँ पर कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, दूसरा होता है प्रोड्यूसर्स कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, तीसरा है मार्केटिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, चौथा है फार्मर्स कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, फिर होती है क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, और लास्ट क्या होती है, कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो बहुत तरीके की आपकी होती है कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, आओ पढ़ते हैं फटाफट से। पहले पढ़ते हैं कंज्यूमर्स कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। सर क्या होता है इसके अंदर, देखो बता रहे हैं आपको, इट इज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। सबसे पहली बात, किसको प्रोटेक्ट करेगी ये कंज्यूमर सोसाइटी, सर कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करेगी। सर कंज्यूमर्स को किससे प्रोटेक्ट करना है, इट सीक्स टू एलिमिनेट मिडलमैन, बीच में जो मिडलमैन है जो सारे प्रॉफिट्स खा जाते हैं, बाय एस्टैब्लिशिंग द डायरेक्ट लिंक विद द प्रोड्यूसर्स।
तो जो कंज्यूमर्स है जो कि बीच में मिडलमैन से सामान खरीदते हैं, हम मिडलमैन से सामान ना खरीद के सीधा किससे सामान खरीद लेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। इट परचेजेस गुड्स ऑफ डेली कंजम्पशन डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स एंड सेल देम टू द मेंबर्स एट अ रीजनेबल प्राइसेस। तो ये लोग क्या करते हैं, देखो मान लो 1000 कंज्यूमर साथ में मिल गए, 1000 कंज्यूमर्स साथ में मिल गए, इन्होंने क्या करा सर, अब तो ये बहुत सारा सामान परचेज करेंगे ना। मान लो एक अकेला मैं बहुत कम क्वांटिटी परचेज करता हूँ, मान लो अपने घर की ग्रोसरीज के लिए, मान लो मेरा पूरा मोहल्ला मिलके एक क्या दे ऑर्डर दे बड़ा सा कार्टून्स में क्या मंगवाए सामान मंगवाए, बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर अगर सामान मंगवाएंगे तो सामान कंपनी से क्या मिलेगा, कम प्राइसेस के अंदर मिल जाएगा। बिकॉज कंपनीज 1-2 किलो तो सामान देती नहीं है, वो तो सीधा किस में देती है, बड़े बड़े कार्टून्स में देती है सामान, कि भैया ये पूरा का पूरा कार्टून हमें दे दो, ये पूरी की बोरी बोरी हमें दे दो, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं एक सब्जी वाले भैया के पास गया, मैं उसे 5 किलो पोटैटोज लेकर आया, लेकिन वो तो मेरे को एक्सपेंसिव देगा, मैंने उसको क्या बोला, ये पूरी आलू की बोरी भैया मेरे को दे दे, और फिर मैंने अपनी सोसाइटी में आपस में वो आलू की बोरी को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे भी ये लोग ये काम कर रहे हैं, इन लोगों ने एसोसिएशन बना ली, अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है डेली नीड्स की, डेली कंजम्पशन की, उसकी लिस्ट बनाते हैं बहुत सारे लोग मिलकर, और डायरेक्टली किससे सामान ले लेते हैं, होलसेलर से। अब होलसेलर 1-2 यूनिट्स तो देता नहीं है, वो तो सारा का सारा क्या देता है, कार्टन्स देता है, पूरा का पूरा कार्टून दे देता है उठा के। तो ये लोग क्या करते हैं, सस्ते में खरीद लेते हैं और बाकी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। फिर होती है बेटा एक प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। द मेन एम इज टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर्स हु कैन नॉट इजीली कलेक्ट वेरियस आइटम्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फेस प्रॉब्लम्स इन मार्केटिंग। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने सामान को बेच नहीं पाते, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है मार्केट में। दीज सोसाइटीज परचेज रॉ मटेरियल टूल्स इक्विपमेंट एंड अदर आइटम्स इन द लार्ज क्वांटिटी एंड प्रोवाइड दिस थिंग्स टू देयर मेंबर्स एट अ रीजनेबल प्राइस। ये लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, छोटा मोटा जो अपनी फैक्ट्री से रिलेटेड सामान होता है, ये सारे एसोसिएशन मिलकर क्या करते हैं, एक बल्क ऑर्डर देते हैं जिसके अंदर वो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, टूल्स परचेज कर रहे हैं, इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं लार्ज क्वांटिटी के अंदर। बच्चों लार्ज क्वांटिटी में अगर आप परचेज करते हैं तो सस्ते दामों में प्राइजेस मिल जाते हैं और ये मेंबर्स के बीच में बांट देते हैं एट रीजनेबल प्राइसेस, ठीक है। अब यहाँ पर कौन आ गए थे, प्रोड्यूसर्स, एक जगह थे कस्टमर्स, एक जगह थे प्रोड्यूसर्स। फिर बात करते हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट परफॉर्म्स वेरियस मार्केटिंग फंक्शन, सच एज कौन सा फंक्शन कर रहे हैं सर, ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन, वेयर हाउसिंग का फंक्शन, आपको सामान को मार्केट करना है बेचना है तो भैया उस मार्केट में भी तो लेकर जाना पड़ेगा जहाँ पे सब कुछ बिकता है, कैसे लेकर जाओगे, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। अब छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनके पास भैया ट्रैक्टर्स वगैरह तो है नहीं, ना वो पैकेजिंग कर सकते ना ग्रेडिंग कर सकते। ग्रेडिंग का मतलब होता है सामान को बाइफरकेट करना, कौन सा अच्छी क्वालिटी का सामान है कौन सी लो क्वालिटी का सामान है, मार्केटिंग रिसर्च नहीं कर सकते। तो ये बेनिफिट कौन देता है फार्मर्स को, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट मेंबर्स इज पुल्ड टुगेदर, फार्मर्स ने जो भी बनाया है ना, जो भी उगाया है, वो सारे सामान को इकट्ठा कर लेते हैं, मार्केट में जाते हैं और वो बेचते हैं। देखो अकेले बंदे से तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में सबने एक जैसा प्राइस रख रखा है, तो वहां पे आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते, ठीक है। एक अकेला बंदे को तो आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लोइट कर सकते हो मार्केट के अंदर। अब इन्होंने क्या करा, सारे लोगों ने जो भी प्रोड्यूस जो करा उस प्रोड्यूस को लेकर गए, अब मार्केट में एक प्राइस के अंदर उन्होंने जाके क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट मेंबर्स इज पुल्ड टुगेदर, जो भी मेंबर्स ने बनाया वो सारे सामान को हमने इकट्ठा करा, सोल्ड बाय द सोसाइटी एट अ गुड प्राइस, उस सोसाइटी ने सेल कर दिया अच्छे प्राइसेस पे। सच सोसाइटीज आर एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, द मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स हु विश टू ऑब्टेन रीजनेबल प्राइसेस फॉर देयर आउटपुट। यहाँ पे कौन लोग मेंबर्स बन जाते हैं, जो लोग सामान बेचना चाहते हैं अच्छे प्राइसेस के अंदर। अकेले बंदों को तो दुनिया क्या कर सकती है, एक्सप्लॉइट कर सकती है, सारे मिलकर अगर एक प्राइस अगर बोलेंगे तो उसको कुछ ना कुछ तो खरीदना पड़ेगा, है ना। फिर होती है एक फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन सच सोसाइटीज स्मॉल फार्मर्स ज्वाइन टूगेदर पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कल्टिवेटिंग देयर लैंड कलेक्टिवली। तो छोटे छोटे फार्मर्स ज्वाइन कर जाते हैं, जो भी उनको फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, वो आपस में पैसे इकट्ठे करके वो चीज़ परचेज करते हैं। सच सोसाइटीज प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सीड्स, अच्छी क्वालिटी की सीड्स इकट्ठा करते हैं, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, मॉडर्न टेक्निक्स फॉर यूज इन द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। क्योंकि एक बंदा तो सारी फैसिलिटीज अच्छे से अपने लिए पैदा नहीं कर पाता, सारे मेंबर्स मिल जाते हैं, किसी ने कुछ पैसे लगाए, किसी ने कुछ पैसे लगाए, अच्छी क्वालिटी का सीड्स ले लिए, फर्टिलाइजर्स ले ली, मशीनरीज ले ली और फटाफट से क्या करने लग जाएंगे अपनी फार्म। इट प्रोवाइड्स देम अपॉर्चुनिटी ऑफ कल्टीवेशन ऑन लार्ज स्केल। तो कल्टीवेशन करते हैं दोस्तों किस पे, लार्ज स्केल के ऊपर फार्मिंग करते हैं। फिर होती है आपकी कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, दीज आर एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प पीपल विद लिमिटेड इनकम टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज एज अ कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। तो जो लोग अपना घर नहीं बना पा रहे, या मान लो जिनके पास लैंड नहीं है तो उनको लैंड खरीदनी है घर बनाने के लिए, तो अब उनके पास पैसे नहीं है, बैंकों से अगर पैसे लेने के लिए जाएंगे तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, या फिर कोई ना कोई सिक्योरिटी मांगते हैं कि भाई अगर आपको लोन चाहिए तो हमें हमारे पास कुछ रखवाओ। अब उनके पास रखवाने को तो कुछ है नहीं, तो ये तो सोसाइटी के लोग जो होते हैं ना, ये आपस में मिल जाते हैं।
एक दूसरे को क्या कर देते हैं, पैसे दे देते हैं। मान लो यहाँ पर हो गए 10,000 लोग हैं, कितने लोग हैं, 10,000 लोग हैं, हर बंदे ने 10,000 रुपये भी दिए, तो बच्चों कितने पैसे हो गए, आप देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने पैसे हो गए, 10 करोड़ रुपए हो गए। 10 करोड़ में कितने लोगों का घर बन जाएगा, जिस भी बंदे ने पैसे लिए वो इंस्टॉलमेंट्स में इन लोगों को क्या कर देता है, वापस कर देता है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो द मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटीज कंसिस्ट ऑफ पीपल हु आर डिजायरस ऑफ प्रोक्योरिंग रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। यहाँ पे कौन मेंबर्स बनते हैं, जिन लोगों को घर खरीदना है लोअर प्राइसेस के ऊपर। इस सोसाइटी का एम क्या है, टू सॉल्व द हाउसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ मेंबर्स बाय कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस एंड गिविंग द ऑप्शन ऑफ पेइंग इन इंस्टॉलमेंट। तो हम आपकी हेल्प करेंगे घर बनाने के लिए, जो भी खर्चा होगा आप हमें लौटा देना इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। दी सोसाइटीज कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स, या तो फ्लैट्स बना के देगी या आपको प्लॉट देगी अगर आपके पास जमीन नहीं है, ऑन विच मेंबर्स देमसेल्फ कैन कंस्ट्रक्ट द हाउसेज एज पर देयर चॉइस। तो अगर आपके पास लैंड नहीं, आपको लैंड देंगे, आप अपनी मर्जी के हिसाब से इस पे घर बना सकते हो, या फिर जिसके पास लैंड है उसको हम क्या बना के दे देंगे, घर बना के दे देंगे, वो इजिली इंस्टॉलमेंट्स में क्या कर सकता है, पैसे वापस कर सकता है। बच्चों लास्ट होती है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके अंदर क्या होता है, सारे जने मिलके पैसे इकट्ठे करते हैं। मान लो किसी को अपने बच्चों की शादी वादी करनी है, किसी को अपने बच्चों को एजुकेशन करवानी है। अब बैंक्स तो उनको पैसे नहीं देता, ये लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को लोन्स दे देते हैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एसोसिएशन ऑफ पीपल था, लाखों रुपए इकट्ठे करे, एक मेंबर को क्या दे दिया, वो लाखों रुपए दे दिया उसने, चाहे अपने घर बनाने के लिए लगाए, चाहे बच्चों की शादी के लिए लगाए, चाहे एजुकेशन के लिए लगाए, जो भी करना था उसने पैसे यूज करे, वो इजिली कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट्स में वापस कर सकता है अपने मेंबर्स को। फॉर प्रोवाइडिंग इजी क्रेडिट, इजी लोन मिल जाएगा ऑन रीजनेबल टर्म्स टू द मेंबर्स, ठीक है, ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। द एम ऑफ सच सोसाइटी इज टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेंडर्स। जो वहाँ के जो लेंडर्स जो होते हैं गाँव के, बच्चों बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जो कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे लोन्स के ऊपर। अब ये लोग आपस में इन्होंने ग्रुप बना दिए, एक दूसरे को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या देते थे लोन। सच सोसाइटीज प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर्स आउट ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड एज कैपिटल एंड डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स एंड चार्ज लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लोग चार्ज करते हैं। तो इसी के साथ बच्चों क्या खत्म होता है आपका, टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज। बहुत जल्दी से मैंने आपको क्या करवा दिया, रिवाइज करवा दिया, नोट्स इतने अच्छे से बने हुए हैं कि आप एक दो बार अगर इनको पढ़ लोगे ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बातें सेट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स, लिमिटेशंस एंड मेरिट्स ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज। आज की वीडियो को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोट्स को डाउनलोड कर लेना। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।